हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी चैनल। आपका स्वागत है मॉडर्न इंडिया की सीरीज के अंदर। ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कौन सी तीन चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होता है एक एसएफसी फार्मूला, राइट। ये एसएफसी फार्मूला क्या होता है, इसके अंदर एस स्टैंड करता है स्टोरी के लिए, एफ स्टैंड करता है फैक्ट्स के लिए, एंड सी स्टैंड करता है कंसेप्ट के लिए, राइट। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट, पर्टिकुलर हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मान लीजिए मैं एक डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का जो एक कवरेज होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ एस मीन्स स्टोरी, एफ मीन्स फैक्ट एंड सी मीन्स कंसेप्ट, तो जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पे लाई करता है, राइट। बहुत ही रेयर पार्ट होता है जो 10%, अब 5-10% मान के चलिए जो कंसेप्ट होता है, लेकिन जो आपका 70% पार्ट होता है वो होता है स्टोरी, एंड ओनली 20-25% क्या होता है आपका फैक्ट्स पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाऊं, जो हिस्ट्री होता है कंप्लीट क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर होता है कि इस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ उस, राइट। यहाँ पे मान लीजिए पहले पोर्तुगीज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए, तो ये एक पूरा स्टोरी फॉर्मेट होता है। ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आप एक माइंड में पिक्चर क्रिएट करेंगे कि ओके इस तरीके से पहले फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए, राइट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंडिया में हुआ था। तो क्या है कि आपके माइंड में जब पिक्चर क्लियर होती है तो आप स्टोरी को अच्छे से याद कर पाते हैं। अगर आपको एक बार स्टोरी याद हो जाती है तो आप उस स्टोरी के अंदर फैक्ट्स इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पोर्तुगीज इंडिया में पहले पहुंचे थे 1498 में, एंड एलिजाबेथ की तरफ से ब्रिटिश की ईआईसी कंपनी को जो चार्टर मिला था 31 दिसंबर 1600 को मिला था, तो ये क्या हो गए, फैक्ट्स हो गए। तो जब भी आप अपना कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसकी स्टोरी क्या है, एंड इस स्टोरी को मैं कैसे समझ सकता हूँ। पहले आप अगर स्टोरी समझेंगे उसके बाद अगर उसके अंदर आप फैक्ट्स ऐड करते हैं तो आपकी पढ़ी हुई जो चीज़ है उसकी रिटेंशन और आप उसको रिकॉल बहुत जल्दी कर सकते हैं, एंड जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बहुत ही इंप्रूव होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को स्टोरी से। तो इस स्टोरी के सबसे जो मेन आप यहाँ पे बोल सकते हैं कैरेक्टर है वो है वास्को डी गामा। यहाँ पे मैंने उनकी पिक्चर लगा दी वास्को डी गामा की ताकि आप रिकॉल कर पाए पिक्चर के थ्रू, राइट। तो ये इंडिया में पहुंचने वाले पहले यूरोपियंस थे जो मई 1498 में इंडिया में पहुंचे थे, एंड उनको यहाँ पे लेके आने वाले या जो नेवी पायलट थे वो कौन थे, अब्दुल माजिद, जो कि गुजराती थे, राइट। अब यहाँ पे ये आके इनकी मीटिंग किससे हुई थी, वेलकम किसने किया था, वेलकम करने वाले कौन थे, जैमुरिन। ये मैंने पिक्चर लगा दी जैमुरिन की आपके लिए ताकि आप इसे इन चीजों को रिटेन कर पाए अपने माइंड में लंबे टाइम के लिए। अब जैमुरिन ने जब वेलकम किया, जैमुरिन को कोई भी आइडिया नहीं था कि वास्को डी गामा यहाँ पे ट्रेड के लिए आया या फिर यहाँ पे रूल करने के लिए आया है, क्योंकि हमें पता है यूरोपियंस यहाँ पे ट्रेडिंग इंटेंशन से ही आए थे। लेकिन जब उनको यहाँ पे आके पता चलता है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में, साइंस के मामले में ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू जो लोकल रूलर्स थे वहाँ पे, भले ही सूरत हो या फिर दमन एंड दीव, कोचीन, कालीकट, ये सारी आज लोकेशन भी हम देखेंगे मैप के अंदर। तो जब इनको पता चलता है कि हम इनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं फोर्स के मामले में, नेवी टेक्नोलॉजी के मामले में, वॉर आर्ट्स के मामले में, तो यहाँ पे उनके जो मन में एक लालच क्या आता है कि यहाँ पे हमारा हक होना चाहिए। तो यूरोपियंस की मेन इंटेंशन क्या थी, उनकी मेन इंटेंशन थी यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करना, और यहाँ पे वो इस तरीके की शिप को यूज करके पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप से लेकर के अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया तक पहुंचना इन शिप्स के थ्रू बहुत ही काबिले तारीफ थी। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1498 की, यानी कि आज से नियरली 450 और 500 ईयर पहले की, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी यहाँ पे पहुंचने वाले कौन थे, मिस्टर कैब्रल। कैब्रल इंडिया के अंदर पहुंचे थे सितंबर 1500 में। इन्होंने नेगोशिएशन किया था जैमुरिन के साथ कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, जिसके बाद, तो कैब्रल की मैंने यहाँ पे फोटो लगा दी है, कैब्रल को इजाजत मिल जाती है कि वो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोकल ट्रेडर थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो इनकी फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया जाता है लोकल्स की तरफ से, जिसकी वजह से बहुत से पोर्तुगीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है।
तो कैबरले इतने दिन में समझ चुके थे कि यहाँ की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि पोर्तुगीज का सामना कर सके, तो यहाँ पे रिटेलिएट करते हैं कौन, मिस्टर कैबरल। रिटेलिएशन में क्या होता है, जो भी ये बंदरगाह है, ये मैंने इंडिया का पोर्ट बनाया, इस पोर्ट के ऊपर जितने भी अरब्स शिप थे इन्होंने उन्हीं को निशाना बनाया, उनको पहले कैप्चर किया, जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो उनको मार देते हैं। तो इसके बाद कैबरिल को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हम नेवी के अंदर, जो नेवी की अगर सुपेरियरिटी की बात करें तो हम इनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इसके बाद ये पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया के अंदर एडवांटेजेस ट्रीटी कर पाए, ठीक है, फोर्स का यूज करके। तो जिसके बाद इनको कोचीन एंड कन्नौर के अंदर क्या मिल जाती है, फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की इजाजत मिल जाती है लोकल्स रूलर के थ्रू, जब इनकी ट्रीटी होती है। आप एक चीज याद रखना, जब भी कोई वॉर होती है या फिर स्क्रमिशेज होती है उसके बाद एक ट्रीटी जरूर होती है जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि इस लड़ाई का जो भी नुकसान हुआ था वो कौन भरेगा, एंड इसके बाद क्या क्या फायदा हुआ है जीतने वाले को, ये ट्रीटी में लिखा होता है। चाहे वो वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी हो, चाहे आप प्लासी की लड़ाई की ट्रीटी, इस तरीके की कोई सी भी अगर आप ट्रीटी की बात करें उसमें मेंशन होती है सारी चीजें। धीरे धीरे 500 मीन्स 1501 तक यहाँ पे धीरे धीरे ये अपने आप को कालीकट, कैन्नोर एंड कोचिन तक अपने आप को स्प्रेड आउट कर लेते हैं। एंड एक चीज और आपको यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि पोर्तुगीज के पहले जो यूरोपियंस थे जो यहाँ पे इंडिया में पहुंचे थे वो थे वास्को डिगामा। दूसरी बार वो कब आए थे, 1501 में, राइट। तो वास्को डिगामा को यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे अगर वो जैमरिन से बात करते जैसा इवेंट कैब्रिल के साथ हुआ है वास्को डिगामा के साथ नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले वाली स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इनका मेन मकसद क्या था, मोनोपली क्रिएट करना, राइट। तो जब यहाँ पे वास्को डिगामा बात करता है जैमरिन से, जो नेगोशिएशन करता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोर्तुगीज को ही आप ट्रेडिंग करने की अनुमति दीजिए, फर्दर जितने भी ट्रेडर्स हैं आप उनसे सारे ट्रेडिंग राइट आप वापस ले लीजिए, तो यहाँ पे जैमुरी ने बोलते हैं कि मुझे अपने इस एरिया के अंदर इक्वालिटी चाहिए, सभी ट्रेड करें, मुझे यहाँ पे कोई भी मोनोपली किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्ट की नहीं चाहिए, राइट। लेकिन धीरे 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 जब ये टाइम बीतने के बाद एक और मेजर इवेंट होता है, वो मेजर इवेंट कहलाता है कि पोर्तुगीज को फोर्टिफाई करने का परमिशन मिल जाना। अब ये हम आपको अगली कुछ स्लाइड में आपको समझाएंगे कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड जो भी अभी तक पोर्तुगीज की तरफ से इवेंट हुए थे ये बेस कैसे माना जाता है कि कैब्रिल और नेक्स्ट जो पर्सनालिटी आने वाली हैं वास्को डिगामा, कैब्रिल एंड मिस्टर अल्फोंसो, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इनके तो यहाँ पे मैंने आपके लिए मैप, जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था सेम मैप मैंने यहाँ पे लगाया, ताकि आप एक्चुअल जो लोकेशंस थी जहाँ पे पोर्तुगीज ने अपने पहले सेटलमेंट स्टैब्लिश की थी आप उसे रिकॉल कर पाए। जैसे कि ये कन्नौर 1501, कालीकट, कोचीन, तो ये सारी जो सेटलमेंट आप देख सकते हैं कितनी एडवांटेजियस लोकेशन पे पोर्तुगीज को मिली है, राइट। एंड आपको कुछ फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं आपको लोकेशंस यहाँ पे बताया था जो हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे दमन एंड दीव, गोवा, बॉम्बे, ये सारी जो लोकेशंस हैं इसके ऊपर पोर्तुगीज ने कैसे कैसे कब्जा किया। जैसे यहाँ पे ये हुगली है, राइट, लास्ट स्लाइड में हुगली का भी जिक्र होगा। तो अभी मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी कि पोर्तुगीज को इजाजत मिली थी किस चीज की, फोर्टिफाई करने की। तो स्टूडेंट, फोर्टिफाई अगर किसी भी एरिया का अगर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया के अंदर एक मालिकाना हक हो जाता है, जो पर्सन उसकी फोर्टिफाई करवाती है यानी कि किलेबंदी करता है उसके ऊपर मालिकाना हक हो जाता है जो उस किलेबंदी को करवा रहा है। तो इट मीन्स यूरोपियंस को जब इजाजत मिलती है कि आप पर्टिकुलर फैक्ट्री को, अपनी कॉलोनी को फोर्टिफाई कर सकते हैं, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली उनको एक परमिशन मिल गई थी, और जिसका उन्होंने बहुत ही ज्यादा यूज किया कि आप एक फॉरेन लैंड के ऊपर अपने रूल्स को स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती थी जैमुरिन की तरफ से एंड जो लोकल रूलर्स थे उनकी तरफ से, जो वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाए, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमने इकोनॉमी का कल एक लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर 200 साल तक राज किया। यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझना ये होगा कि वो 200 साल तक राज क्यों कर पाए। रीजन ये था, जब भी किसी भी राजा से वो डिस्कस करते थे या फिर कोई भी ट्रीटी होती थी या फिर जब भी कोई नेगोशिएशन होती थी, सबसे पहले वो यही मैप शो करते थे कि
जिसमें ये दिखाया जाता था कि इंडिया ये जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है वर्ल्ड के अंदर, एंड यूरोपियंस साइज में भी बड़े हैं एंड सुपीरियर हैं हर चीज में, चाहे वो नॉलेज हो चाहे वो पावर हो, हर चीज में टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है इंडिया से। तो ये सारी बातें जितने भी राजा थे मान जाते थे। लेकिन अभी मैं आपको एक जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको शो करूंगा कि उनके द्वारा फैलाया हुआ झूठ 300 सालों तक कंटिन्यू रहा और इंडिया 300 350 साल तक यूरोपियंस का गुलाम रहा। तो एक बार मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। अब आप देख सकते हैं उन्होंने इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में रखा सिर्फ एक झूठ को फैला के। एंड ये छोटा सा एक आप देख सकते हैं यूरोपियन एरिया, जहाँ पे मेनली अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन की, ये छोटा सा एरिया है ब्रिटेन, यहाँ पे आपको क्लियरली देख भी नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक समझने वाली बात ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी मैसेज आता है या फिर कोई भी न्यूज़ आती है जो बहुत ही वायरल हो रही है, तो उसे आप एक बार जरूर अपने लेवल पे रिसर्च करके जरूर देखिएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे ब्रिटिश ने और यूरोपियंस ने जो झूठ फैलाया था जिसकी वजह से इंडिया 200 साल तक गुलाम रहा था, तो आप भी किसी झूठ का शिकार ना हो जाए। कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो आप उसके अपने लेवल पे जरूर रिसर्च कीजिएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें जो मिस्टर अल्फोंसो डी अल्मेडा की, ये इंडिया में 3 साल के लिए आए थे। 1505 में इनको अपॉइंट किया गया था पोर्तुगीज की तरफ से। इनका मेन काम था कि जो एट प्रेजेंट पोर्तुगीज हैं उनके एरिया को बढ़ाना एंड न्यू एरियाज को कैप्चर करना, गल्फ ऑफ हेडन, होर्मुज एंड मलक्का के अंदर अरब ट्रेडर को ब्लॉक करना। अगर आप इनकी लाइव लोकेशन देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो के लास्ट के जो 14 to 15 जो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, आप उसके अंदर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको यूज़ कर पाएँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मिस्टर अल्फोंसो थे उनको लगा कि इंडिया के अंदर अपना हक जमाना बहुत ही आसान है, वो कब्जा बड़ी इजीली कर पाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था। इजिप्शियंस की तरह इजिप्शियन प्लस गुजराती के साथ इनकी एक नेवी बैटल होती है जिसके अंदर ये अपने बेटे को खो देते हैं। तो इसकी वजह से अल्फोंसो को ना चाहते हुए भी दोबारा वापस जाना पड़ता है पुर्तगाल, एंड वहाँ से ही अपने साथ पूरे एक जंगी बेड़ा लेके आते हैं जिसको आर्मेडा बोला जाता है। आर्मेडा स्टूडेंट एक नेवी बैटल एक पूरी शिप्स का होता है जिसके अंदर मोर देन 100 शिप्स होती हैं। तो जब ये आर्मेडा के साथ यहाँ पे इंडिया के कोस्ट के ऊपर पहुँचते हैं, ना इजिप्शियंस इनका सामना कर पाते हैं और ना ही गुजराती इनका सामना कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी एक सुप्रीमियरिटी यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती है। एंड जो नेक्स्ट जो मेजर इवेंट्स यहाँ पे हुए थे वो थे मिस्टर अल्फोंसो आल्बी की तरफ से। एक आपको यहाँ पे चीज़ समझनी होगी कि ब्लू वाटर पॉलिसी मिस्टर अल्फोंसो ने यहाँ पे स्टैब्लिश की थी, वो ये थी कि अगर इस पोस्ट से इस पोस्ट तक आपको जाना है तो आपको एक सर्टिफिकेट रिसीव करनी पड़ेगी पुर्तगीज की तरफ से, एंड वो सर्टिफिकेट पैसे दे के ही दी जाती थी। ये बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है कि आपको अगर टोल पास करना है तो आपको टोल की रसीद लेके ही पास करना होगा। राइट, इसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी एंड कार्तदा सिस्टम। अब जो अल्फोंसो दी अल्बिक्यू थे ये यहाँ पे इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने गोवा को एक्वायर किया था बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में, जो कि बहुत ही इजीली इन्होंने अपने माइंड का यूज करके एक्वायर किया था। एंड ये पहले थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जिन्होंने ऑफिशियली एक्वायर किया था इंडिया के अंदर, राइट, एक फॉरेन फोर्स के थ्रू। एंड यही थे जिन्होंने इंडिया के अंदर कुछ न्यू वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया था जैसे कि टोबैको एंड कैश्यू नट। एंड जो इनके साथ जितने भी क्राफ्ट्समैन एंड जितने भी ट्रेडर्स नोबल्स जितने भी इनके साथ आए थे, वो पुर्तगाल वापस ना जाके वो इंडिया में ही सेटल होते हैं एंड बहुत ही लेविश लाइफ आगे जीते हैं। एंड जो नेक्स्ट एंड लास्ट पर्सनैलिटी यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ये है नीनो दी चूना, जो यहाँ पे इंडिया के अंदर 1529 के टाइम पीरियड से लेकर के जो इनका कंप्लीट टाइम पीरियड इंडिया में रहा 1539 तक, राइट, बीच में इनके जो बहुत ही मेजर इवेंट ये थे कि इन्होंने दमन एंड दीव के ऊपर अपना जो प्रभुत्व जमाया था। उससे पहले इन्होंने क्या किया था कि जो कोचिन में इनका हेडक्वार्टर था वो इन्होंने ट्रांसफर। सो पोर्तुगीज एंड बहादुर शाह जफर के बीच में एक ट्रीटी होती है, लेकिन उस ट्रीटी की वजह से बहादुर शाह जफर की जान जाती है। एंड इसके बाद धीरे धीरे इनका जो इंडिया के अंदर फुट एंड जो स्ट्रांग होल्ड था काफ़ी बढ़ता गया। एंड लास्ट में इन्होंने हुगली के अंदर भी अपना एक हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया ताकि वहाँ पे भी अपना एक कब्जा जमा सके।
स्टूडेंट आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।